Hey everybody, welcome back to my channel Afreen in London. I hope everyone is doing fine. I'm also fine. और आज हम जा रहे हैं रॉचेस्टर, जो कि कैंट में है, और वो अराउंड 1.5 hours की ड्राइव है मेरे घर से. तो हम बेसिकली वहाँ जाने वाले हैं अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के घर. वहाँ जल्दी जाने वाले थे पर हम काफ़ी लेट हो चुके हैं गाइस, तो मैं कोशिश करूँगी आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रॉचेस्टर दिखा पाऊँ. तो चलिए चलते हैं. पहुँच चुके हैं गाइस, और देखिए भाभी ने कितना टेस्टी खाना बनाया है, छोला भटूरा एंड देयर इज मिक्स वेजिटेबल रायता, देन वी हैव जीरा पुलाव कीमा, डिलीशियस यमी यमी फूड. उसके बाद हम आ गए थे बैकयार्ड ओपन एयर में, और देखिए इज़ान बॉल्स के साथ खेल रहा है यहाँ पे. आर यू एंजॉयिंग? वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इट्स द राइट टाइम फॉर इज़हान टू एंजॉय द बेबी पूल, तो हमने उसको बेबी पूल में डाल दिया. अब हम निकल चुके हैं रॉचेस्टर लोकली घूमने के लिए, और हमने एक सरप्राइज़ प्लान करके रखा है निधा भाभी के लिए, जिनके घर हम आए हुए थे, क्योंकि उनका बर्थडे है. तो आप वेट करिए वो सरप्राइज़ देखने के लिए. जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, जो हमें रियल में दिख रहा है वो कैमरा में बिल्कुल नहीं दिख रहा है. कैमरा इज़ नॉट एट ऑल डूइंग जस्टिस टू द व्यू. इट्स अमेजिंग, पूरा हिली एरिया दिख रहा है दूर से. अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के लोकल पार्क में, जिसका नाम है द एस्प्लैनेड. हमारे कोलकाता में भी एक जगह है जिसका नाम है एस्प्लैनेड. कोलकाता में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा. मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स में ओपन जिम होते हैं, और आप ओपन में आकर वो जिम यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पर कायनात स्विंग में बैठी हुई है, उसे स्विंग बहुत पसंद है. वो हमेशा पार्क में जाती है और बच्चों के स्विंग में बैठ जाती है. अब आ गया है सरप्राइज़ का टाइम, और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम केक लेकर आएंगे उनके लिए. तो ये रहा वो सरप्राइज़. अब हम केक कटिंग करेंगे यहाँ पे. अब हमने फ़ोन को वहाँ पे सेट कर दिया है स्टैंड करके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था आसपास जो हमारा वीडियो ले सके. तो ये रहा केक कटिंग टाइम. एक छोटी छोटी खुशी बहुत मैटर करती है, तो इसलिए खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी दीजिए, और ज़िंदगी आसान करिए ऐसे ही. इज़हान को देखिए फुल ऑन एक्साइटेड है स्विंग में बैठकर, और एकदम खुश है माशाल्लाह. Yes, are you happy? ये है रॉचेस्टर कासल गाइस. अंदर कुछ इवेंट होने वाली थी इसलिए हमें परमिशन नहीं मिली अंदर जाने के लिए, वो बंद था नॉर्मल टूरिस्ट विजिटर के लिए.
रही कासल की व्यू दूसरी साइड से गाइस। अब हम वापस घर जा रहे हैं गाइस। हमारा मिनी टूर टू रोचेस्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं और भी बड़ा व्लॉग बनाऊंगी इस पे। तो अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आफ्टरनून लंदन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।